हरियाणा के मेवातनू में हुए दंगों के बाद अब पुलिस की नींद खुल गई है। पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नू में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने तावडू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। जांच में सामने आया है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में शामिल पाए गए। ऐसे में पुलिस ने बुलडोजर से 200 से अधिक झुग्गियों को गिरा दिया। बुलडोजर का एक्शन करीब 4 घंटे तक चला। बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में बांग्लादेश के काफी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। इनमें से कई लोग हिंसा में शामिल थे। हरियाणा में हुई हिंसा के आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। अब तक 5 जिलों में 93 FIR दर्ज की गई है। 176 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अकेले नू में 46 FIR दर्ज है। सोमवार को नू में निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद ही 2 समुदायों में हिंसा फैली थी। नू के अलावा फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 23, पलवार में 18, रेवारी में 3 FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए 2300 वीडियो की पहचान की है। पुलिस का मानना है कि इन्हीं वीडियो ने हिंसा को उकसाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस को अभी तक की जांच में पता चला है कि हिंसा की प्लानिंग के तहत की गई थी। ज्यादातर गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 25 साल बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वे भीड़ में शामिल होकर अवैध हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने भीड़ में शामिल होकर हथियारों, ईंट पत्थर, लाठी और डंडों से हमला किया था। हिंसा को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अपने हथियार, लाठी डंडे भी छिपा दिए थे। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि हिंसा करने के बाद कई आरोपी मेवात की पहाड़ियों में राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ,